हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, मैं हूँ आपका एनिमेशन मेंटोर। गई इससे पहले लेक्चर में गई हमने इस पे वर्क किया था। ओके, और सबसे पहले गई मैं क्या करता हूँ, इस पे कलर दे देता हूँ। तो मैं उसका राइट क्लिक करूँगा और अशेनियन न्यू मटेरियल, माया, ब्लेंड, और यहाँ पे आऊँगा, इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर दूँगा। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इस लाइट के बैक लाइट जो हमारी है, इसके ऊपर आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट के अंदर जाता हूँ और यहाँ से न्यू, यह देख रहा हूँ पॉलीगॉन प्रिमिटिव, इसके अंदर से गाइस मैं लेऊंगा यहाँ से प्लेन, इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे को मिल गया, एक कार के नीचे है ये, और मैं उठा के ऐसे लेके आऊँगा इसको। इससे पहले गाइस मैं इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, जैसे कि मैं चैनल बॉक्स के अंदर आता हूँ और ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इसकी वन वन कर देता हूँ, ये थ्री इसके डिविजन्स कर देता हूँ, तीन नंबर दबाकर, और तीन इस साइड से कर दूंगा थ्री। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा लेकर आता हूँ पर्सपेक्टिव, वहाँ साइड में आता हूँ गाइज, साइड में उस साइड से इसको थोड़ा उठा के ऊपर लेके जाऊंगा ऐसे, इसको कर दूंगा ये मैं रोटेट, स्केल। फ्रंट और टॉप, ये टॉप है अपना, इसको ले जाऊंगा यहाँ पर टॉप, पर्सपेक्टिव। गई अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारी जो फ्रंट वाली जो इमेज है, फ्रंट की जो इमेज है गई, मैं यहाँ पे ना बैक वाली इमेज लेकर आता हूँ, जिससे कि हमें काम करने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो मैं इसको सेलेक्ट करते हुए क्या जाता हूँ, जाता हूँ मैं एडिटर, ये फाइल, और यहाँ से गई मैं चेंज कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी इमेज है, कार मॉडलिंग, जहाँ पे मैंने डाल रखी है, आपको जहाँ पे भी आप डालेंगे वहाँ से निकाल सकते हो अपनी बैक। हाँ, ये बैक है बराबर। तो अभी मेरे पास बैक आ गए, तो गई अब मैं इस पर आराम से काम कर सकता हूँ। ओके, तो इसको मैं सबसे पहले उसको प्लेनर को सेलेक्ट करूँगा, पर्सपेक्टिव के अंदर आकर, यहाँ पर आऊँगा पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो गाइज इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपना टूल चेंज करता हूँ, वर्ल्ड की जगह करता हूँ कंपोनेंट। और थोड़ा सा स्केल, रोटेट, और इसको भी रोटेट, थोड़ा सा ऊपर, टूल चेंज कर लूंगा। और थोड़ा सा अंदर। तो गई जब ये देखने में थोड़ा अपना शेप आ रहा है, अब मैं क्या करता हूँ आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले इसको माउस का राइट क्लिक करके वर्टिक्स मोड के अंदर आऊंगा, इस वर्टिस को सेलेक्ट करके और वी दबाऊंगा स्नैपिंग के लिए, और यहां पर इसको ले आऊंगा। ओके, ऐसे गाइज इसको करूंगा, ठीक है, ये अपना इतना होगा। अब मैं इनको कर देता हूँ मर्ज। मर्ज के लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा मोड, ये देख रहे हो ना एडिट में, इसके अंदर आपको मिला मर्ज का ऑप्शन, ऐसे मैं इसको करूंगा एडिट में मर्ज का ऑप्शन, ठीक है। तो अब ये मर्ज हो गया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करता हूँ। इससे पहले गए इसको करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चैनल, यानी हमारा चैनल एडिटर, आप चाहो तो इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, माउस का राइट क्लिक, वर्टिक्स मोड, इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, वो अच्छे से काम कर पाऊँगा। और इसको मैं थोड़ा बेटर यहाँ पे रखता हूँ,
इसको ऐसे, तो इस प्रकार से गाइस हम इस पे काम कर लेंगे। अब मैं शिफ्ट दबा के इसको भी करता हूँ वर्टिक्स मोड। और ऐसे इसको करूंगा गाइस, सॉरी गाइस, अब मैं इसको भी कर लेता हूँ जिससे कि हमको अच्छे से पता लगता रहे। अब मेरा ये रह रहा गाइस, ऑब्जेक्ट मोड, इसको भी ऑब्जेक्ट मोड, सबको गई मैं ऑब्जेक्ट मैट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में कर देता हूँ सभी को फिलहाल। इसको पहले करता हूँ वर्टिक्स मोड, ये वर्टिक्स सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा बाहर को लेता हूँ जिससे कि मुझे इस पर अभी काम करना है थोड़ा। तो इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी गाइस, वर्टिक्स मोड, ठीक है। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब करता हूँ मैं इसको स्नैप, ऐसे गए जिसको वर्टिक्स, सबसे पहला काम गए हमारा यही है, इनको हम अच्छे से मिलान कर लेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ इनको थोड़ा सा बाहर को रखता हूँ, जैसे कि इस प्रकार से, थोड़ा सा इसको भी, ओके। तो गाइस हमारा इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ये स्मूथ पोर्शन यहाँ से ऐड कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे आता हूँ माउस का राइट क्लिक एडजस्ट मोड। इससे पहले गाइस मैं इनकी अच्छे से सेटिंग कर लेता हूँ, जैसे कि इसको यहाँ पे इस लाइन में ले आता हूँ अच्छे से, क्योंकि मशीन नहीं हमेशा सीधी होती है गाइस। ओके, और इस प्रकार से मैं इसको, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब कर, तो गाइस अब थोड़ा ये भी रह रहा है, इसको भी कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ गाइस माउस का राइट क्लिक एजिस मोड, और ये बाहर के जितने एजिस हैं इनको शिफ्ट द, इन पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सारे एजिस सेलेक्ट हो जाएंगे। अब गाइज इनको सेलेक्ट करने के बाद कर देता हूँ मैं कंट्रोल ई एक्सट्रूड के लिए। अब इसको थोड़ा सा अंदर को एक्सट्रूड करना स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले गाइज मैं क्या करता हूँ, ये कुछ मेरे पार्ट हैं इनको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से दिखता रहे। ओके, मेरे को ये बराबर से यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये इतना हमारा हो गया। अब मैं माउस का राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, तो गाइस इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ इसको सेलेक्ट करके वो इन सबको भी सेलेक्ट कर लूंगा शिफ्ट दबा के। ओके, वो इनको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करने के, अब मैं करता हूँ यहाँ से आई स्लॉट, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा है चले जाएंगे। अब मैं इस पर आराम से इसको इसको सेलेक्ट करके अब काम कर सकता हूँ आराम से। अब यहाँ पे भी मैं देखता रहूँगा। ओके गाइस, अब ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ मेश टूल के अंदर, स्मूथ प्रोक्सी, सब डिवाइस प्रोक्सी, और इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से इसके कुछ लेवल्स बढ़ा लूँगा और स्मूथ कर दूँगा, ठीक है। तो गाइस ये स्मूथ अपना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको सेलेक्ट करके इसको बाहर निकाल लेता हूँ।
और एजिस मोड, और इनको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट दबाकर। और यहां से भी तो हम इन पर अच्छे से काम कर लेंगे। तो गई इतना हमारा होने के बाद अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं मेश टूल के अंदर, यहाँ तक क्रिश टूल मेरे को दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा और माउस के मिडिल क्लिक से गाइस इस पर मैं ड्रैग करना स्टार्ट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, तो मैंने इतना वर्क अपना कर लिया, अब मेरा थोड़ा वर्क यहाँ पे रह रहा है, तो मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ। तो माउस का राइट क्लिक, वर्टिक्स मोड, टूल चेंज, ओके। अब यहाँ से तो हम बराबर इतना हो गया, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, कुछ एजिस में यहाँ पे हैंगे मेरे, तो मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके माउस का राइट क्लिक करूँगा, एड सेलेक्टेड कर दूंगा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ओके, मैं इस पर आराम से काम कर सकता हूँ। माउस का राइट क्लिक, वर्टिक्स मोड, और ये वर्टिक्स में सेलेक्ट करूँगा जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए, और ये भी। तो हम इन पे काम करेंगे और टूल चेंज करेंगे, कंपोनेंट एडिटर ऐसे ही मैं फिर इस पे करूँगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस इसमें, सॉरी गाइस, वो थोड़ा ऊपर से सेलेक्ट हो गया था। तो ये चीज़ गाइस आपको देखना होगा और इसको अच्छे से कर लेना होगा। सॉरी गाइस, तो गाइस मैं थोड़ा आपको करके दिखा रहा हूँ, और आपको ना गाइस ये आपको अपने हिसाब से करना होगा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको बाद में अपने हिसाब से फिनिशिंग करूँगा। तो मैं आपको ये करके दिखा दिया कि आप इसको कैसे वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस आप इस पर काम कर लोगे, इसको सेलेक्ट करके इसको आप थोड़ा बाहर को ले लोगे ऐसे, तो ये आपका मैच हो जाएगा गाइस। ओके, और मैं चाहता हूँ गाइज इस प्रकार से आप अपने हिसाब से इसको कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में जो जानेंगे इससे आगे के बारे में जान लेंगे। ओके।